पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो जितनी भी शर्कराएं हैं उसमें सबसे मीठी शर्करा जो है वो फ्रक्टोज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है वाल्सम पुष्प से, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी आलू के परकंद से या फिर ऑप्शन डी दलहनी फसलों के जड़ों की गांठों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। दोस्तों याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज एफ वेटिंग ने की थी और फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहली बार कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है वो मानव शरीर के अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग यानी कि शुगर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वेलाडोना नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है तना, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पत्तियां या फिर ऑप्शन डी फल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तियां। दोस्तों याद रखिएगा कि थकान और इस तरीके से बहुत सारे रोग हैं जिनको दूर करने के लिए वेलाडोना नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है और ये पौधे के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अलवा, ऑप्शन बी कोंड्रस, ऑप्शन सी नॉस्टॉक या फिर ऑप्शन डी रोड हो जाएगा ऑप्शन ए अलवा। दोस्तों याद रखिएगा कि जापान के लोग अलवा नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन आपके सामने है एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है तो याद रखिएगा एमाइलेज करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है तो रेनिन करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है तो याद रखिएगा रेनिन है। अगला क्वेश्चन, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कॉपर पायरेट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर पायरेट। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉपर पायरेट को बेवकूफों का सोना या फिर झूठा सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सौर मंडल में दो ग्रह हैं यानी कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है। अगला क्वेश्चन, सोना को किसमें खोला जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है वुड स्प्रिट, ऑप्शन बी अम्लराज, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड या फिर ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लराज। दोस्तों याद रखिएगा कि तीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु और इसके साथ साथ HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को मिलाने पर क्या बनता है? अम्लराज बनता है। तो याद रखिएगा कि इसी अम्लराज में सोना को घोला जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुड स्प्रिट किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मेथिल एल्कोहल को बुड स्प्रिट कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मिथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बता दिया था कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है जिससे आर्टिफिशियल तरीके से बरसात की जा सकती है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के विघटन से क्या निर्मित होता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी सैलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी कि जैसे आपने एक लड्डू देखा होगा तो ये बहुत सारे बूंदी से मिलकर बना है। तो ये जो बूंदी बहुत सारे हैं इनको अलग अलग करेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बूंदी कहेंगे, और इकट्ठा कर देंगे तो इसे हम लड्डू कहेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे अमीनो अम्ल को जोड़ने पर एक प्रोटीन का अणु बनता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वृक्षों तथा झाड़ियों का, ऑप्शन बी समुद्री जीवों का, ऑप्शन सी मधुमक्खियों का या फिर ऑप्शन डी फलों का।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री जीवों का। दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्री जीवों का उत्पादन मेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एपिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है? जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि जब सेलुलोज से रेशा बनाया जाता है तो उसे हम रेयॉन कहते हैं और इसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मक्का, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी गेहूं, या फिर ऑप्शन डी चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। दोस्तों याद रखिएगा कि अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्यूपा, ऑप्शन बी मैगट, ऑप्शन सी कोकून, या फिर ऑप्शन डी हैचलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोकून। दोस्तों याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है और इनके कीड़ों को कोकून कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट का पालन किस वृक्ष पर किया जाता है, तो शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मगरमच्छ होते हैं उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, तो हैचलिंग कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जब तितलियाँ होती है, जब अंडे देती है, उससे जब छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। और यही कैटरपिलर जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो इनके चारों ओर एक खोल बन जाता है, जिन्हें हम प्यूपा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता, या फिर ऑप्शन डी ऊंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी। दोस्तों याद रखिएगा कि गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, तो अमरूद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी ध्रुव तारा, या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइरस। दोस्तों याद रखिएगा कि आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर दिशा को इंगित करने वाला तारा कौन सा है, तो ध्रुव तारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, बहुत तेजी से घूमने और रेडियो तरंगे उत्पन्न करने वाले तारे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने ग्रह, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी पल्सर, या फिर ऑप्शन डी क्वासर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्सर। दोस्तों याद रखिएगा कि आकाश में बहुत तेजी से घूमने वाले जो तारे होते हैं, उन्हें हम पल्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन।